ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। और मैनपुरी के BSA का संशोधित आदेश सामने आया है। वो आदेश क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। NS Now पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर वो आदेश है मैनपुरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण हेतु सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को दिनांक 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो शिक्षा मित्र के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 16 जून से शिक्षा मित्र का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 10 जून तक प्रत्येक दशा में निर्णय ले लिया जाए। तो ये मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का फिर से संशोधित आदेश आया है। पहले भी इनका एक आदेश आया था जिस पर जमकर बवाल मचा था और उसके बाद ये आदेश आया है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। NS Now पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।